के पुजारियों जी की तरफ से, मार्केट की तरफ से, और दो भाई हैं मोहित और वरिंदर जी, उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था कि जो भी बाबे दरबार माँ के श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, वो सीट ढककर प्रॉपर अंदर जाएं दर्शन के लिए, और शॉर्ट्स निकर वगैरह उसके लिए थोड़ा रोक लगाया है। और ये भी हमारा एक प्रयास है, लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा फोर्सफुली वाली बात नहीं है। आपको जहाँ करना है करो, मगर मंदिरों में तो सामाजिक रूप से आप माता की आस्था लेके आते हैं आप, ने? उस मंदिर में तो आपको आस्था रखना है, उनके नियम पालन करना चाहिए। ये होनी चाहिए सर, ये सिर में जो है ना अपन रूमाल भी ढांक लेते हैं, नहीं रहता कपड़ा, तो ये होनी चाहिए, अपन अपनी संस्कृति के हिसाब से पूरे पूरे कपड़े में आना चाहिए। देखिए ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, एक 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 पर एक प्रार्थना है। चक्कर ये है कि ये हमारे यहाँ देखो टूरिज्म को जरूर बढ़ावा देना चाहिए, हम खुद इसके हक में हैं। मंदिर के बाहर बन गया है देखो, एक्वेरियम है, बागे बहू है, फिर फाउंटेन म्यूजिकल चलता है, गंडोला चलता है, उसको देखकर लोगों ने यहाँ ये पिकनिक स्पॉट बना दिया था। तो वो वहां से घूम कर आते थे, नहीं कोई यहाँ कोई माहौल मंदिर का दिखता था। फिर देखिए हमने ये डिसाइड किया, आप देखिए आप सरदार गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी आपने नंगा सिर देखा? हमारे मुस्लिम भाई नवाज पढ़ते हैं, वो भी सिर पे टोपी रख के पढ़ते हैं। अगर हम रुमाल रख लेंगे, वो भी मंदिर की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है, कोई आपने घर से नहीं लाना है, वो हमने मंदिर की तरफ से रखे हुए हैं। आप देखो अमरनाथ यात्रा चल रही है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, लोग भी देखे कि वाकई ये मंदिरों का शहर है, या अब देखो तिरुपति बालाजी का भी मंदिर बन गया। इसलिए हमने जम्मू को मंदिरों का शहर बनाना है, ना कि एक सैरगाह। तो जो भी बाहर से आए वो देखे, अब देखिए आप बाहर से आए हैं, लोगों ने रुमाल रखे हैं, ऐसा धार्मिक माहौल दिख रहा है। बाकी कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई ना भी डाले तो हम उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आजकल समझ आते हैं।